तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एलोन डिजाइन। तो गाइज आज की इस वीडियो में कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिट करना सिखाऊंगा। तो देख सकते हैं ओरिजिनल फ़ोटो मैं कुछ इस प्रकार का शूट किया हूँ, जो कि मैं अपने निकॉन D3500 कैमरे से शूट किया हूँ। वाइट ऑटो मोड में फ़ोटो को क्लिक किया हूँ, तो आप देख सकते हैं फ़ोटो कुछ इस टाइप का है। और इसको मैं आज एडिट करके इस टाइप का बताऊँगा कैसे एडिट होगा। तो उससे पहले आप लोग बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाइए जल्दी से वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरा सबसे पहले फ़ोटो वहीं पे मैं अपलोड करता हूँ और आप लोग वहाँ पर कमेंट करके बता पाएंगे कि मुझे इस फ़ोटो का ट्यूटोरियल चाहिए। और टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा इसमें का जो भी स्टॉक है वो वहीं पर मिलेगा। तो चलिए गाइस बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये हमारा फ़ोटो है, तो इसको हम लोग शेयर करेंगे सबसे पहले स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं कुछ अलग ही तरीके से फेस को मैच करवाया हूँ, तो इसमें आप लोगों को कुछ अलग ट्रिक देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले अपना ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है फ़ोटो में, फिर से ट्यून इमेज पर क्लिक करके और एम्बिएंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जिससे कि देख सकते हैं फेस हमारा पूरा रेड हो चुका है। तो गाइस इतना करने के बाद देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस इतना होने के बाद फ़ोटो को शेयर करेंगे यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो फ़ोटो को शेयर करते हैं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ध्यान से देखिए, आप भी ऐसा फ़ोटो बना पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत लोग कमेंट किए थे ये वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लड़की वाला फ़ोटो एडिट करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं लाइटरूम में अपना फ़ोटो ओपन कर चुका हूँ। यहाँ से सबसे पहले हमें लाइट को एडजस्ट करना है और हाईलाइट को कम करेंगे, शेडो को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और वाइट एंड ब्लैक दोनों को कम करेंगे, जिससे कि हमारा फ़ोटो हो जाएगा डार्क। और यहाँ पे मिक्स टूल में जाएंगे, कलर वाले ऑप्शन पर जाके और ऑरेंज टोन का सेचुरेशन कम करेंगे और लुमियंस को बढ़ाएंगे। देख सकते हैं हमारा फेस वाइट हो रहा है। उसके बाद येलो कलर जो है इसको हम लोग 100% माइनस में रखेंगे और लुमियंस को 100% बढ़ा लेंगे। देख सकते हैं अभी हमारा फ़ोटो मतलब चेंज भी हो चुका है बहुत ज़्यादा। उसके बाद से रेड टोन पे सेलेक्ट करेंगे, इसका यू कम रखेंगे और सेचुरेशन को बढ़ा लेंगे। और गाइस इतना होने के बाद ब्लू टोन वाले को डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इसका सेचुरेशन 100% माइनस कर देंगे। ग्रीन वाले को भी माइनस करना है और इसको भी माइनस में कर देना है, बाकी कोई भी इसमें कलर छेड़छाड़ नहीं करना है। इतना होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे टेक्सचर को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, क्लियरिटी को 4 या 6% ज़्यादा नहीं रखना है। अब इग्नेट को हल्का सा कम करेंगे, उसके बगल वाले ऑप्शन डिटेल वाले में जाके शार्पेनिंग और डिटेल नॉइज रिडक्शन और फिर से डिटेल और कलर नॉइज रिडक्शन इसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे 47 तक, और डिटेल को फुल रखेंगे, स्मूथनेस को भी फुल रखेंगे। देख सकते हैं गाइस इतना होने के बाद फ़ोटो अभी हमारा लाइटरूम का हमारा काम हो चुका है। देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर लाइटरूम में बहुत ज़्यादा फ़ोटो डिफरेंट हुआ है। तो अभी थोड़ा सा इसमें एक और काम है, तो फ़ोटो को पहले तो मैं स्मूथ करूँगा, ठीक है गाइज। तो स्मूथ करने के लिए सबसे पहले अभी पहले फ़ोटो पे थोड़ा सा और लाइट आना ज़रूरी है। तो लाइट लाने के लिए सबसे पहले अपना सिलेक्टिव टूल सेलेक्ट करूँगा और इसमें जाने के बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और अपना फेस का पूरा कलर कर लेंगे। तो गाइज ये वीडियो लंबा होगा, क्योंकि अनुष्का शेर वाला जो भी वीडियो है बहुत मेहनत लगता है बनाने में, तो इसमें थोड़ा लंबा होता है वीडियो। तो वीडियो लंबा होने के बाद नहीं, आप लोग बस वीडियो को देखिए, आप लोग समझ जाएंगे। अगर वीडियो लंबा मैं नहीं बनाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप लोगों के लिए वीडियो लंबा ही बनाना पड़ेगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा से छोटा वीडियो बनाऊंगा आसान तरीके से, जो कि आप लोगों को समझ में आए। और मैं एक बात का और गारंटी देता हूँ, मैं सारा चीज़ रियल बताता हूँ, कोई भी यूट्यूबर आप लोग को इतना रियल में नहीं बताएगा। बस ये है कि मैं आप लोगों को बस प्रोसेस बताता हूँ कैसे कैसे एडिट करना है, बाकी सब तो आपके हाथ में है कि कैसे आप लोग अपने मतलब फ़ोटो को एडजस्ट करते हैं, कैसे उसमें कितना क्या करते हैं, कौन सा सेटिंग कितना छेड़छाड़ करते हैं, ये सब तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग कीजिए, तभी आप लोग कर पाएंगे। तो आप लोग मतलब आशा करता हूँ आप लोग ये बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग कलर कर लेना है, तो मैं वीडियो को स्किप करके फटाफट से अपना पूरा फेस कलर कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैं पूरा कलर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सबसे पहले अपने जो भी मैं काम करता हूँ अपने फेस पे ही करता हूँ, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी मेरा वर्क है बस अपने फेस पे ही है, हैंड पे मैं कोई भी स्मूथ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए।
सबसे पहले इफेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा। पूरा कलर करने के बाद नीचे एक इफेक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और टेक्सचर को 100% माइनस में कर देंगे, जिससे हमारा फेस थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। और नीचे जो एक नीचे लास्ट में वाला ऑप्शन है, इसको बढ़ाएंगे तो हमारे फेस पे थोड़ा और ज़्यादा लाइट आ जाएगा। तो गाइस इतना होने के बाद डन कर देंगे फोटो को। उसके बाद से एक बार और फिर से सिलेक्टिव टूल में जाएंगे और अपना लिप्स का कलर कर लेंगे। तो गाइस ये स्टेप आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिप्स पे मैं कलर कर लूँगा, मतलब ऊपर भी करना है नीचे भी करना है, तो आप लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो दोनों साइड में मुझे करना है, तो यहाँ से मैं लिप्स का कलर भी कर चुका हूँ, तो ऐसे बढ़ा लूँगा, मेरा लिप्स भी कलर हो गया। डन करते हैं फ़ोटो को, देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर बहुत ज़्यादा फोटो चेंज हुआ है। फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है गाइस, फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या करना है, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइए, पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, तो अभी आप लोग समझ पाएंगे इस वीडियो में क्या है। ठीक है गाइस, तो फोटो सेव हो रहा है, अभी देखते रहिए। तो देख सकते हैं आप लोग कि फोटो हमारा सेव हो चुका है, तो अभी यहाँ से डन करेंगे। ठीक है, चलते हैं अब गैलरी में और वहाँ से फोटो को शेयर करते हैं अपने पिक्सआर्ट में और दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करना अगर किसी को नहीं आता हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और मेरे चैनल पर भी ऑलरेडी वो वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि HD में बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करें, बहुत ही ईजी है। उसका मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग जाके देख लीजिए, ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं दूसरा भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए चलते हैं अपने गैलरी में। तो गाइज इतना सब करने के बाद मैं गैलरी में आ चुका हूँ। तो ये वो फोटो था जो कि मैं मतलब वो लाइट रूम से निकाला हूँ, जिस फोटो को, वो फोटो यही है। इसको मैं कटआउट करके कुछ इस टाइप का मतलब कटआउट कर दिया हूँ, इसका बैकग्राउंड नहीं है। और ये लड़की वाला फोटो है जिसका भी बैकग्राउंड मैं रिमूव कर दिया हूँ। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं इसका PNG, आप लोग डाउनलोड करके आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो सब इतना होने के बाद फिर आप लोगों को बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए यही वाला बैकग्राउंड है जिसको हम लोगों को एडिट करना है। तो इसको हम लोग शेयर करेंगे अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो फोटो को शेयर कर दिया है पिक्सआर्ट में, ठीक है, तो फोटो ओपन हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो पिक्सआर्ट में ओपन हो चुका है। उसके बाद से हम सिंपली पहले इसको रिसाइज करेंगे, जिससे कि मतलब हमारा फ़ोटो का पिक्सल बढ़ जाए। तो यहाँ पे 3098 दिखा रहा है, तो इतना में हम सेट कर लेंगे। उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐड फोटो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड फोटो, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, अपना फ़ोटो को ऐड करेंगे। तो गाइज मैं यहाँ पर दोनों ही फ़ोटो ऐड कर चुका हूँ, तो इस फोटो को पहले इधर कर लेंगे और अपना मॉडल वाला फ़ोटो को इधर कर लेंगे। उसके बाद इरेजर पर जाएंगे और मेरा ये जो भी फ्रेंड है मतलब इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा, इसको यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है। तो मैं ऐसे फटाफट से यहाँ से इरेज कर लूँगा, तो इसको इधर रखना ही नहीं है, बस अपना हैंड रखना है और इसको रखना है। तो मैं यहाँ से अच्छे से पहले इरेज कर लूँगा, तो मैं वीडियो को स्किप करके फटाफट से ऐसे इरेज कर लेता हूँ। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं फ़ोटो को एकदम परफेक्टली इरेज कर चुका हूँ। तो इसके बाद से थोड़ा साइज़ को इसके बढ़ाएँगे और सबसे पहले तो इसका अपना एडजस्ट करना है, तो इसका हम लोग रोटेशन मोड चेंज करेंगे, इस साइड में करेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पहले एडजस्ट करेंगे, इतना पे फ़ोटो को एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद से अपने फ़ोटो को इसमें एडजस्ट करना है, इसके साइज़ के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, इतना पे मतलब इसको इतना ही पे एकदम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, सेम टू सेम इतना ही पे फ़ोटो रहेगा। तो देख सकते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा और ऐसे, बस इतना पे सेट करना है फ़ोटो को। उसके बाद से इरेजर वाले ऑप्शन पे पहले तो इसका ऑपेसिटी कम करेंगे, ठीक है, इरेजर पे जाएंगे, उसके बाद से इसका हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फ़ोटो को जूम कर लेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम लोग और यहाँ पे कलर डालते हैं, उसके बाद से इधर का ऑप्शन जो भी है इसको हम लोग एकदम परफेक्टली इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे अच्छे से इरेज कर लीजिएगा, जितना भी इसका बॉडी दिखता है इसको इरेज कर लेना है, क्योंकि मतलब इसका बॉडी बाहर दिखना चाहिए। तो अच्छे से इसको मैं इरेज कर लेता हूँ फटाफट से। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैं फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट कर चुका हूँ, तो डन करते हैं अभी। थोड़ा सा मतलब इसका साइज़ थोड़ा दिक्कत दिख रहा है, तो साइज़ को मैं छोटा या बड़ा कर लूँगा, थोड़ा सा बड़ा करूँगा, ज़्यादा नहीं, मतलब इतना पे रहेगा। तो मेरा फेस थोड़ा सा और बड़ा चाहिए, तो मैं एकदम इसको अच्छे से इतना पे एडजस्ट करूँगा। तो इधर का थोड़ा सा हैंड पे इसके थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो मैं इसको भी सही कर लेता हूँ। यहाँ पे इरेजर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और फटाफट से जहाँ भी मतलब एक्स्ट्रा इरेज हुआ है उसको मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका हार्डनेस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सबसे पहले तो इसको अच्छे से पहले इरेज कर लेंगे, ठीक है।
और जो भी यहाँ पे खाली मतलब बचता है इसको सब एकदम भर देना है ऐसे। तो ऐसे आप लोगों को भी मतलब कर लेना है फटाफट से। जो यहाँ का हिस्सा है इसको हम लोग नहीं रखेंगे, इरेज करेंगे, जो कि उसका है उस पर मैं बताता हूँ अभी कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेना है, यहाँ जो भी वाइट वाला हिस्सा दिख रहा है इसको आप लोगों को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं वाइट वाला हिस्सा एडजस्ट हो चुका है, यहाँ पे भी थोड़ा सा बचा था। तो इसको फाइनली मैं परफेक्टली एकदम इरेज कर चुका हूँ। तो ऊपर की साइड में थोड़ा सा बच रहा है, तो वो मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो पहले तो इसको इतना ही पे डन करना है, अभी एकदम फ़ोटो परफेक्ट दिख रहा है, फ़ोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसी फ़ोटो को दोबारा से ऐड करेंगे, फिर आप लोग को बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैं फ़ोटो दोबारा से ऐड कर चुका हूँ, तो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा रखूँगा, ठीक है, और इसका ऑपेसिटी थोड़ा सा डाउन करूँगा। और नीचे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे मेरे कपड़े का लाइनिंग दिखाई दे रहा है यहाँ से हम लोग मैच करवाएंगे फ़ोटो को। तो यहाँ से हम लोग अच्छे से मैच करवा के जो भी बाकी का एक्स्ट्रा जो भी बचा है उसको हम लोग यहाँ से एडजस्ट करेंगे। तो इतना होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पहले अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट हो चुका है, उसके बाद से इसका ऑपेसिटी बढ़ाएंगे, उसके बाद इरेजर पे जाएंगे, इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना कलर कर लेंगे। देख सकते हैं ये भी हमारा हो गया बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे ये पूरा ब्लैक हो चुका है, मतलब जो भी हिस्सा बचा था मैं काट काट के जोड़ दिया हूँ, और इसका हार्डनेस कम करके इसको भी ऐसे यहाँ से इरेज कर लेना है और ये ब्लैक वाला हिस्सा भी कर लेना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी नीचे पता नहीं चल रहा है कि मतलब वहाँ पे मैं काट के जोड़ा हूँ। तो सेम यही प्रोसेस ऊपर भी करना है। तो एक बार और इस फोटो को ऐड, तो यहाँ पे मैं दोबारा से फ़ोटो को ऐड किया हूँ, तो इसको भी बड़ा कर लूँगा, इसका ऑपेसिटी कम कर लूँगा और यहाँ पे इतना रख के फिर से इसका भी साइज़ बढ़ा के और नीचे इन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे, और बस जितना दूर वाइट हिस्सा दिख रहा है बस इतना ही दूर हमको इसमें कलर करना है, जिससे कि कंधा हमारा परफेक्ट सही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मैच करवा दिए हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब अलग से ऐड किए हैं। देख सकते हैं पहले फ़ोटो कैसा था अभी कैसा बन चुका है। और गाइज एक और चीज़ बता दूँ, आप लोगों को इंस्टाग्राम साइज अगर नहीं बनाना आता है तो वो भी आप लोग पिक्सआर्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड फ़ोटो के बगल में एक फिट वाला ऑप्शन होता है, इस पर जाइएगा और रेशियो लिखा है इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं एक पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम साइज़ का बन जाएगा कोई भी फ़ोटो। तो ये ऑलरेडी इंस्टाग्राम साइज़ का है, डन करते हैं फ़ोटो को और फ़ोटो को फाइनली यहाँ से सेव कर लेंगे। ड्रॉ टूल में जाके फ़ोटो को सेव करेंगे और फ़ोटो को लेके चलेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में, फ़ोटो को कलर मैच करवाएंगे, ठीक है गाइज। तो हम लोग चलते हैं। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं फ़ोटो को ऐड कर चुका हूँ। आप लोग को एक और प्रॉब्लम आ रहा होगा पिक्सआर्ट में, फ़ोटो को एडिट करने पे ब्लैक ब्लैक हो जा रहा होगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका भी ट्यूटोरियल बना दूंगा, क्या दिक्कत है, कैसे हो रहा है, ये सारा चीज़ मैं सही कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी सही कर दूंगा। तो गाइज यहाँ से वाइट और ब्लैक को कम करने के बाद थोड़ा सा इसका शैडो बढ़ाते हैं, तो देख सकते हैं मतलब फ़ोटो तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ से फिर से वही रेड टोन वाला इफेक्ट डालेंगे और फ़ोटो पे थोड़ा सा और लाइट डालेंगे, ठीक है, और इसके पे येलो इफेक्ट आ रहा है तो वो भी हम लोग सही कर लेंगे। तो पहले मैं अपना फेस सही कर लेता हूँ। तो इसके लिए सिलेक्टिव टूल में जाना पड़ेगा, लाइट कम है मेरे फेस पे तो सिलेक्टिव टूल में जाएंगे और यहाँ से सिंपली सेम स्टेप जैसे पहले किए हैं सेम वही चीज़ यहाँ भी दोबारा से करना पड़ेगा। तो गाइज एक ही फ़ोटो में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो ऐसे करेंगे और यहाँ से सबसे पहले अपना कलर कर लेंगे। तो मैं वीडियो को स्किप करके अपना कलर कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो फिर से गाइज देख सकते हैं मैं पूरा जितना भी है मैं मतलब अपना अपना फेस कलर कर चुका हूँ। तो यहाँ से नीचे से अपना बस फेस पे लाइट को एडजस्ट करना है, लाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 15% बढ़ाएंगे हमारा मैनेज हो जाएगा। तो गाइज 15 या 17 तक बढ़ाएंगे, उसके बाद से डन कर देंगे। तो अभी देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर फ़ोटो हमारा मतलब बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उसके बाद से इसमें जाएंगे और थोड़ा सा नॉइज शार्पनिंग और डिटेल नॉइज रिडक्शन डिटेल इन सबको हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इतना होने के बाद अभी स्प्लिट टोन का बारी आता है जहाँ से हम फोटो को मैच करवाते हैं, ठीक है। तो ये आता है हमारा ये इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आएगा स्प्लिट टोन, ये सबसे ज़रूरी होता है। तो यहाँ से मैं अपने फेस के कलर को मैच करवाता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें मतलब कैसे कैसे क्या क्या करना है। येल्लो इफेक्ट फ़ोटो में है तो हम लोग थोड़ा सा येल्लो इफेक्ट रखेंगे, तो एकदम सिंपली बस थोड़ा सा रखना है, ज़्यादा नहीं, डन कर देंगे। और गाइज इतना होने के बाद फ़ोटो को यहाँ से सिंपली हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है।
फोटो को सेव करके फाइनल हम लेके चलेंगे फ़ोटो को अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में, जहाँ से अनुष्का वाला फेस मतलब सही करना है, इस पर रेड इफेक्ट है तो उसको सही करना है। तो यहाँ सिंपली हम लोग शेयर करते हैं अपने स्नैपसीड में, तो फोटो अभी हमारा शेयर हो रहा है। तो फोटो यहाँ पे शेयर करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे स्नैपसीड वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया, तो मैं सिंपली फ़ोटो को शेयर कर लिया हूँ। यहाँ सेलेक्टिव टूल पे क्लिक करेंगे, अपने अनुष्का वाला जो मॉडल है इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से सेचुरेशन को डाउन करूँगा और ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, सेचुरेशन डाउन करूँगा, डन कर दूँगा। देख सकते हैं इसका फेस मेरे फेस जैसे हो गया है। तो यहाँ भी हैंड पे भी इसको जो भी बचा है यहाँ पे हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, वाइट करेंगे, तो ये भी हो गया। फिर इस वाले हैंड पे भी करना है, तो जहाँ जहाँ भी है आप लोगों को सेलेक्टिव टूल का यूज़ करके अपना मैनेज कर लेना है। तो यहाँ भी देख सकते हैं मेरे गर्दन पे थोड़ा सा लाइट कम दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा। तो ये भी हमारा हो चुका है, मेरे हैंड पे भी थोड़ा सा लाइट कम है, तो यहाँ भी हैंड पे भी लाइट थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा। तो यहाँ भी लाइट इंक्रीज हो चुका है, तो डन करते हैं फ़ोटो को। उसके बाद से जैसा कि मैं आप लोग को बताता हूँ, लास्ट में पोर्ट्रेट वाला यूज़ करना है, तो पोर्ट्रेट आप लोग यूज़ करना मत भूलिएगा, जिससे हमारा फेस थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। अभी डन कर देंगे। इसमें एक चीज़ का कमी दिख रहा है मेरा हैंड पे, ये इस पर थोड़ा लाइट कम है, तो यहाँ पे हम लोग लाइट को एडजस्ट करेंगे ऐसे, और सेचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे, जिससे कि हमारा भी हैंड थोड़ा वाइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, तो फाइनली हमारा फ़ोटो बन ही चुका है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो फोटो में आप लोग चाहे तो रेमनी का यूज़ कर सकते हैं, रेमनी का यूज़ करेंगे तो फ़ोटो का क्वालिटी बढ़ जाएगा, तो आप लोग रेमनी का यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे में नेट काम नहीं कर रहा अभी, तो मैं रेमनी यूज़ करके नहीं बता सकता, तो आप लोग वो कर लीजिएगा। तो बस यही था आज का वीडियो, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये ट्यूटोरियल काफ़ी ज़रा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसा फ़ोटो बना सके। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।